What's up guys, this is Rai Bali from Edit Extra। आज की मेरी वीडियो जो है वो है किस तरीके से हम डेविंशी रिजॉल्व पे अपने वीडियो स्मूथली प्लेबैक करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले कि डेविंशी रिजॉल्व पे काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, उसका बेसिक रीजन ये होता है कि हमारा पीसी जो है वो इतना सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि डेविंशी रिजॉल्व का जो मेन पर्पस होता है वो कलर ग्रेडिंग होती है, और उसकी वजह से उसका जो GPU यानी ग्राफिक्स कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा वो जो है वो उसका कंजम्पशन होती है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा 8GB का जो ग्राफिक्स कार्ड है NVIDIA का 580, उसमें भी कहीं ना कहीं DaVinci Resolve जो है वो बहुत ज़्यादा मसला करता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से प्रीमियर प्रो में प्रॉक्सी लगती है, डेटा जो है वो कम हो जाता है उसकी रेजोल्यूशन, और प्लेबैक जो है वो बहुत कम रेजोल्यूशन में दे रहा होता है। जब मैं रेंडर निकालता हूँ तो वो रियल रेजोल्यूशन में रेंडर निकालता है। सेम इसी तरह DaVinci Resolve अगर हम ओपन करते हैं, और मेरा 8GB का कार्ड मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये मेरी टाइमलाइन बनी हुई है, ये मैंने एक चैनल के लिए जो है वो PSM रिकॉर्ड किया था, इसकी डायरेक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन मेरे हाथ में थी, और उसके साथ साथ पोस्ट प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा मेरे दोस्त उमर ने किया था, और इसका फाइनल प्रोडक्ट की कलर ग्रेडिंग जो है वो शारिक ने करती, वो इसका DOP था। अब अगर मैं इसको प्लेबैक करता हूँ तो आप देखेंगे ये प्लेबैक आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्लेबैक हो रही है, इतनी चौपी, इतना मसला, मतलब कहीं नहीं आ रहा। इसको मैंने स्टॉप करा, वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही। सबसे पहले दो मेन चीज़ें हैं इसकी, वो चीज़ें अगर आपने इस पर अप्लाई कर दी आपकी वीडियो तकरीबन 75% स्मूथ जो है वो प्लेबैक होगा। सबसे पहले आपको जाना है प्लेबैक के ऑप्शन में, ये ऊपर बाहर पे प्लेबैक का ऑप्शन होगा, और यहाँ पे जाके आपको प्रॉक्सी मोड है, और ये प्रॉक्सी मोड करना है क्वार्टर। अब ये प्रॉक्सी मोड जो है वो प्रीमियर प्रो वाली प्रॉक्सी नहीं है, क्योंकि प्रीमियर प्रो पे प्रॉक्सी का ऑप्शन जो है वो एक अलग तरीके से आता है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है प्रीमियर प्रो पे दोनों विंडोज़ पे कि क्वार्टर, फोर्थ, 1/8, 1/2, तो ये वो वाला ऑप्शन है प्रॉक्सी मोड, प्लेबैक, प्रॉक्सी मोड, क्वार्टर रेजोल्यूशन। अब मैं इसको प्लेबैक करके देखता हूँ, अगर ये मेरे पास प्लेबैक हो जाती तो फाइन, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेट्स प्ले द वीडियो। मतलब पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ है, पहले से बहुत ज़्यादा चौपी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो ये नामुमकिन सी चीज़ है। एक अच्छा एडिट इस तरह के ये आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ये नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये बिल्कुल स्मूथ ऐसा प्लेबैक दे, क्योंकि मेरे पास कोई क्वाड्रो का 11GB या 12GB का कार्ड लगा हुआ है, और प्रॉपर मतलब DaVinci Resolve चल रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले ये देख रहे हैं आप सेटिंग, आपको आनी है यहाँ पे। अब आप सेटिंग में यहाँ पे आएंगे, आपका रेजोल्यूशन टाइमलाइन का सेलेक्टेड सारी चीज़ें फॉर प्रोसेस आपने यहाँ पे ये रखना है, ताकि जब आप रेंडर निकालें तो हर चीज़ आपका वही निकले, हर चीज़ वही भी सेम। अब आप सबसे पहले जाएंगे कट पे भी आपका सारी चीज़ें सेलेक्ट हुई हुई है, मीडिया, और यहाँ से जितनी भी वीडियोज़ हैं आपकी इनको करेंगे सेलेक्ट, मतलब A to Z जो भी वीडियो आपके यहाँ पे टाइमलाइन पे काम हो रहा है उसको करेंगे आप सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद करेंगे राइट क्लिक पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है जनरेट ऑप्टिमाइज मीडिया। अब ये जनरेट ऑप्टिमाइज मीडिया उस तरीके से काम करता है जो प्रीमियर प्रो की प्रॉक्सी होती है, ये सेम उस तरीके से काम करेगा जनरेट ऑप्टिमाइज मीडिया। अब ये यहाँ पे प्रॉक्सी कर रहा है, और इसमें कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा पीसी इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, है अच्छा पीसी है लेकिन इतना ज़्यादा है नहीं, इसको लगेगा कुछ अच्छा खासा टाइम, तो इसको वेट करते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है,
1% हो गया, आधा घंटा हो गया। गाइस ऑप्टिमाइजेशन हो गई है पूरी, मतलब प्रॉक्सी जो है वो पूरी वीडियोस पे लग चुकी है। अब थोड़ा सा इसको प्लेबैक करके देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो बहुत 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 फर्क पहले की वीडियो और इस वीडियो में बहुत फर्क है, और अब तकरीबन पूरी वीडियो आ रही है। मुझे पास आने मुझे नहीं लग रहा कि इस पर प्रॉक्सी लगी है, ऑप्टिमाइजेशन हुई है क्या, और ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये परफेक्ट आई हुई है। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो एंड, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में राहिब अली हाजिर होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।